बदायूं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा। बदायूं में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध समाज के लोगों को संबोधित किया। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में अग्रसर है। वहीं एक तरफ संघमित्रा मौर्य का टिकट कटने से स्टेज पर रोती दिखाई दी, जो अपनी आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाए, जिनका दर्द बाहर छलक कर आ गया, क्योंकि बीजेपी ने बदायूं से संघमित्रा मौर्य का टिकट काट कर दिग्विजय सिंह शाकी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं उनके विरोध में अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव पर दांव लगाया है। बदायूं में बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि बदायूं में किसको सत्ता मिलती है और किसको निराशा, क्योंकि बदायूं में दोनों प्रत्याशी बराबर के टक्कर के हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी ताकत झोंक कर यूपी में 80 की 80 सीटें निकालने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दरअसल पूरा मामला बदायूं का है, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने आज बदायूं दौरा किया। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसके मद्देनजर यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बदायूं दौरा किया, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध समाज को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास कोई प्रत्याशी न होने से जो कि बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी का सामना कर सके, इसीलिए उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव पर दांव लगाया है। लेकिन बदायूं की जनता भाजपा प्रत्याशी को ही चुनेगी, क्योंकि बदायूं में बीजेपी अपने डबल इंजन की सरकार से सभी गरीबों तथा सभी वर्गों की सरकार है, जो कि हर प्रकार से आम लोगों की मदद में हमेशा तत्पर रहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की जो कल्पना की है, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर बात की जाए क्राइम की, तो बदायूं में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी तरह से क्राइम मुक्त कर दिया है। इस सरकार में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ऐसी और तमाम खबरें पाने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज चैनल के साथ। इस खबर में फिलहाल इतना ही, जल्द ही मिलते हैं किसी और खास खबर के साथ। नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद में 2024 के लोकसभा चुनाव और जनपद की प्रभारी मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी,
श्री संतोष सिंह जी, दिनेश शर्मा जी, डीपी भारती जी, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष संबल से हरेंद्र चौधरी जी, सांसद श्रीमती संत मित्रा मौर्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती वर्षा यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री राजेश पाठक जी, माननीय विधायकगण श्री महेश गुप्ता जी, राजीव कुमार सिंह जी, हरीश साठ जी, कुंवर बराज सिंह जी, हमारे पूर्व और वर्तमान के सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, बदायूं जनपद से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित भाइयों, ऋषि मुनियों और वेदों की इस पावन धारा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।